हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टार गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप अपनी फोटो के अनचाहे बैकग्राउंड को हटा सकते हैं और आप अपने फोटो के पूरे बैकग्राउंड को भी हटाकर उसकी जगह आप अपना मनपसंद बैकग्राउंड लगा सकते हैं, वो भी दोस्तों आप अपने मोबाइल से। इसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आपको बताते हैं कि वो कौन सा एप्लीकेशन है और वो किस तरह काम करता है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन की लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं, आप वहां से आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको लिखना है EARSER इरेजर। इरेजर जैसे लिखेंगे नीचे आ जाएगा ये बैकग्राउंड इरेजर, तो इसको आपको सर्च करना है और सर्च करके दोस्तों इसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसका आइकन देख लीजिए आप। तो चलिए मैं इसको डायरेक्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस तरीके से फोटो का बैकग्राउंड चेंज होता है। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही दोस्तों इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, नीचे आपको दिखेगा लोड ए फोटो। तो लोड ए फोटो पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी गैलरी के अंदर इसके जाएंगे, तो गैलरी के अंदर जाकर उस फोटो को आपको सेलेक्ट करना है जिस फोटो को आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूं एक फोटो को, इस फोटो को मैं ले लेता हूं, इसका बैकग्राउंड हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, ये फोटो आ गई है, अब इसमें जो अनवांटेड है जो जितना आप कर सकते हैं उसको आप क्रॉप कर दीजिए। ये देखिए इतना आप इसको नज़दीक करके यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। डन करने के बाद दोस्तों ये अभी आपको ये पीछे का बैकग्राउंड ही हटाना है। उसके लिए आपको जाना है सबसे पहले नीचे ये ऑटो है, ऑटो पे क्लिक करना है। ऑटो पे क्लिक करके दोस्तों फिर आपको ये मैनुअल है, मैनुअल पे क्लिक करके यहाँ पे आप ब्रश की साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी जितने आप बड़ा रखेंगे उतने बड़ा ब्रश चलेगा। तो चलिए मैं इतने साइज ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको ये क्या है, जितना है बैकग्राउंड उसको उस पर आपकी उंगुली से इसको चलाना है। चलिए मैं इसको पीछे का बैकग्राउंड हटाता हूँ। आप जितनी अच्छी तरीके से करेंगे उतना ही अच्छा बैकग्राउंड आप का तैयार होगा। चलिए मैं इसको हटाता हूँ। आप थोड़ा समय देंगे, थोड़ा आराम से करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, आपका बैकग्राउंड चेंज हो सकता है। तो चलिए मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने की। आपको इस तरह पूरे बैकग्राउंड को आपको सेलेक्ट करना है जो जो आप इसको हटाना चाहते हैं। अगर फोटो के ऊपर भी अगर ये कुछ आ जाता है तो उसकी उसका भी इसमें एक ऑप्शन है, उससे आप वापस भी इसे कर सकते हैं। चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये अनवांटेड बैकग्राउंड है वो हमें हटा देते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ रह गया है, तो इसके बाद में ये रिपेयर आता है। रिपेयर पे जब जाएंगे तो आप जो फोटो अगर हट जाती है तो फोटो से हम वापस इसको ले सकते हैं। देखिए रिपेयर करके मैं करता हूँ तो ये देखिए वापस रिपेयर हो जाता है। तो ये यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको जाना है ये डन पे। जैसे डन पे जाएंगे तो ये फोटो का बैकग्राउंड आपके पास आ जाएगा, मगर इसमें देखिए कुछ चीज़ें रह गई हैं, यहाँ पे कुछ रह गया है और यहाँ पे कुछ रह गया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वापस बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों थोड़ा जूम करना है, जूम करने के बाद में वापस इसे मैनुअल पे जाना है और इसके जो रह गया है उसको आप आराम से इसे रिमूव बैकग्राउंड को करें और एकदम अच्छी तरीके से इसके बैकग्राउंड को हटा के देखिए जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप करके। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अब आपको यहाँ पे डन कर देना है। अब ये फोटो का बैकग्राउंड आपकी ये फोटो है वो तैयार हो चुकी है। अब आपको इसका बैकग्राउंड इसे दूसरे बैकग्राउंड में लगाना है, तो उसके लिए क्या करना है, इसको ये फोटो आपके तैयार हो चुकी है तो यहाँ पे ये फिनिश कर दीजिए। ये ऐड आ गया तो इसे आप हटा सकते हैं। तो उसके बाद में अब ये फोटो अपने बैकग्राउंड के लिए तैयार हो चुकी है। अब हमें इसे बैकग्राउंड में अच्छे से बैकग्राउंड पे इस फोटो को बनाना है। उसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन की और ज़रूरत पड़ेगी, वो एप्लीकेशन मैंने आपको पहले भी उसके बारे में बताया था मगर फिर मैं बता देता हूँ। प्ले स्टोर में आके यहाँ पे आपको लिखना है PICSART पिकारट, और जैसे ही आप पिकारट लिखेंगे तो ये आ जाएगा सबसे ऊपर और इसको आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो चलिए मैं अब इसमें आपको दिखाता हूँ कि इससे आप फोटो का बैकग्राउंड कैसे बदलेंगे। तो उसके बाद में पिकारट को आपको ओपन करना है। मैं ये पिकारट है इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके दोस्तों आपको जाना है एडिट में। एडिट में जाके आपको वो बैकग्राउंड लेना जिस बैकग्राउंड में वो फोटो आप लगाना चाहते हैं। चलिए मैं सबसे पहले एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, इस बैकग्राउंड को मैं चूज करता हूँ।
ये देखिए बैकग्राउंड आ चुका है। अब इसमें हमें वो फोटो रखनी है, तो उसके लिए हमें नीचे मिलेगा एक ऐड फोटो का ऑप्शन, तो ऐड फोटो पे जाना है और ऐड फोटो पे जाके वो जो अभी अभी हमने बैकग्राउंड बनाया है उसको आपको सेलेक्ट करना है और ऐड कर देना है। जैसे ऐड करेंगे दोस्तों वो इसमें आ जाएगी। अब यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप रखना चाहें वहाँ पे इसको रख सकते हैं। देखिए जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप इसको अच्छी तरीके से रख सकते हैं, तो दोस्तों छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी फोटो को, बैकग्राउंड को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, आप अपने मनपसंद बैकग्राउंड में रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों मैं आपके लिए रोज़ एक नया वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालता हूँ वो आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।